जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। आपने तस्वीरें जम्मू की देखी होंगी, कश्मीर घाटी की देखी होंगी, और जिस तरह डोडा में भी कल जो है धरना प्रदर्शन हुआ, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पिरेंट जो हैं खासतौर पर मांग यही लगाए बैठे हैं कि जो कंपनी एपटेक उनका जो पेपर लेने वाली, यानी जिसको ये टेंडर दिया गया है, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी पहले से ही बहुत सारी जगहों पे थी, उसको ये टेंडर जो है ना दिया जाए और उनके पेपर जो है कोई और कंपनी ले। उस सब को लेके बातचीत जो है हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट उमर राठर, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एडवोकेट भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो बच्चों की मांग है, जो एस्पिरेंट्स की मांग है, क्या कुछ कहना है इनका। सर क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरह जितने भी एस्पिरेंट्स हैं खासतौर पर मांग लगाए बैठे हैं कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी पहले से ही बहुत सारी जगहों पर है उनको जो है ये टेंडर ना दिया जाए और हमारा पेपर जो है खासतौर पर वो कोई और कंपनी ले, इस सब को लेकर आपका क्या कहना है। देखिए, आप ये देखें कि हमारे J&K की हालत क्या हो रही है। हमारे जम्मू कश्मीर की हालत दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है। कभी हमारे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं सड़कों पे हैं, कहीं हमारे बच्चे सड़कों पे हैं। कोई भी जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे लोग खुश हैं। कहीं पे स्टेट लैंड की मार है, कहीं पे प्रॉपर्टी टैक्स की मार है, और आज हमारा यूथ जो हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, इन लोगों ने आज इनको भी जो है सड़कों पे है जो है लाके खड़ा कर दिया। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज जो यूथ जो पढ़ाई करना चाहिए था, जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए था, जिस टाइम अपने घरों में बैठ के तैयारी करना चाहिए था, जो हमारे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है आज वही यूथ हमारा जो है सड़कों पे खड़ा हुआ है। सर जिस तरह कहा जा रहा है कि जो कंपनी पेपर लेने वाली है उस कंपनी के अंदर जो हमारा पेपर ना हो, इस सब को लेके आपका क्या कहना है। देखिए, अगर एपटेक जो अभी हाल ही में जो ब्लैक लिस्ट कंपनी थी, इसके बारे में सबको पता था, हमारे जो पॉलिटिशियन उनको पता था, सरकार को पता था, हर एक इंसान को उसकी जानकारी थी कि वो कंपनी जो है ब्लैक लिस्टेड है। ये सब जानने के बाद भी इन लोगों ने जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप जो है पेपर कंडक्ट कीजिए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो तबाही यहाँ पे हुई, जो स्कैम्स यहाँ पे हुए, लोग दर बदर हुए, बच्चे हमारे दर बदर हुए, उसके बावजूद वो सब होने के बाद जो है ये लोग आज एपटेक को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जब भी इनको ये पता है कि ये कंपनी जो है पहले ब्लैक लिस्टेड है। हमने देखा अभी रिसेंटली, अभी हमारे JKSSB के कुछ लोग जो सामने आए, उनने तारीफ़ की बड़ी, वो कहने लगे कि आप जो है ये ब्लैक लिस्ट जो है कंपनी नहीं है, अब जो है ये ब्लैक लिस्ट जो है कंपनी नहीं है, अब आप जो है ये एग्ज़ाम ले सकती हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार ने पहले भी जब अग्निवीर का मसला हुआ था, उन लोगों ने उस टाइम आर्मी को सामने किया और बताया कि अग्निवीर जो है गलत नहीं है, वो सही है। अभी हाल ही में जब प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हुआ, इनने आगे सरकार को किया, इनने इन लोगों को आगे किया ये बताने के लिए कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो गलत नहीं है, वो सही है। और आज वैसा ही उन्होंने JKSSB के लोगों को आगे सामने किया ये बताने के लिए कि ये जो एग्ज़ाम हम ले रहे हैं ये फेयर ले रहे हैं। नहीं, जिस तरह पहले भी एग्ज़ाम तो लिए गए थे, पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए और उनमें से स्कैम जो है पाए गए, और उसके बाद फिर वही हो रहा है, तो क्या लगता है आपको किस हद तक इसमें सही है या सच्चाई किसमें? देखिए, मैं आपसे यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जब पहले से सारा जो गलत हो रहा था ये, उसके बावजूद ये सब स्कैम होने के बावजूद जो है स्कैम हो गए, इतना मसला बीच में हो गया, CBI को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके बावजूद अब ये चीज़ क्लियर है कि ये कंपनी जो है ये पहले ब्लैक लिस्ट थी है और ये जो नए ये एग्ज़ाम जो इनको दे रहे हैं करने के लिए। अगर स्टूडेंट्स की ये मांग है, अगर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि ये कंपनी जो है एग्ज़ाम ना लें, तो आपको उसको कैंसिल करने में क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर यही उठता है कि अगर बच्चे आपको मांग कर रहे हैं, अगर ये आपसे कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एपटेक जो है वो हमारा एग्ज़ाम ना लें, आप किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, आपको क्या ज़रूरत आन पड़ रही है कि आप लोगों को JKSSB के लोगों को आगे कर रहे हैं, वो आगे लोगों को ये समझा रहे हैं कि अब जो है हम एग्ज़ाम यही लेंगे, ब्लैक लिस्ट कंपनी नहीं है। जिस तरह कहा जा रहा है कि अब ब्लैक लिस्ट नहीं है, लेकिन पहले भी तो एग्ज़ाम हुए और बच्चों ने शोर उठाया, तब बच्चों ने कहा कि बस स्कैम हुए हैं, प्रूफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने कही और स्कैम निकले भी, और फिर अब वही हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि चाहिए जो है सरकार को इस डिसीजन को वापस लेना और किसी और कंपनी को ये पेपर कराए, उसको ये टेंडर देना? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही मसला है, अगर उनकी विलिंग नहीं है, अगर बच्चे ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम जो है एपटेक जो है कंडक्ट करें, तो गवर्नमेंट को इस टाइम इस पर सोचना चाहिए था, उनको एक मीटिंग बुला के कहनी थी, अगर बच्चे जो है इन्वॉल्व वो नहीं चाहते हैं ऐसा, तो आपको कैंसिल करना चाहिए। मैं आपकी इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, जब हाल ही में अभी जब हमारा जो है ये कृषि कानून पर जो कानून आए थे, MSP जो पे जो कानून आए थे, पूरे जब हमारे पंजाब के पूरे हिंदुस्तान के किसान जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है, बहुत सारे लोग आगे आए वो समझाने के लिए कि ये कानून अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी है, एंड पे फाइनली गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि ये जो है कानून गलत है, हम इनको वापस ले रहे हैं। ये लोग अब इन बच्चों को मजबूर कर रहे हैं, इनको सड़कों पर लाने के लिए, इन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं और ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं,
ये इनको बताने के लिए कि हम जो है एग्ज़ाम जो है इनके थ्रू ही कंडक्ट करवाएंगे, हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। क्या वजह है, कौन सी करप्शन अंदर चल रही है जो ये मजबूरन जो है एपटेक को कॉन्ट्रैक्ट देने में ये मजबूर हैं, इनको इनको बंदे आगे भेजने पड़ रहे हैं, ये लोगों को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कि ये कंपनी जो है ठीक है, जो पहले ब्लैक लिस्ट थी अब ये धूल की धुली हुई है, अब एक एग्जाम जो है कंडक्ट करा सकती है। क्या लगता है आपको, जिस तरह कहा ही जा रहा है कि क्राइटेरिया होता है L1 L2 L3 को टेंडर दिया जाता है, लेकिन क्या लगता है उस क्राइटेरिया में कोई और कंपनी फॉल नहीं करती? देखिए कंपनी तो बहुत सारी फॉल कर रही हैं, अब मसला यहाँ पर ये आता है कि अंदर की स्टोरी क्या है, जब ये लोग अंदर बैठ के ये मीटिंग करते हैं वहाँ पर मीटिंग में क्या बात होती है, जब वो बात कल को सामने आएगी हमें ये क्लियर हो जाएगा ये एप्टा को क्यों कंपनी ये एग्ज़ाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने ये दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ा जो अभी मसला है वो ये है, जब बच्चे आपको कह रहे हैं, जब पूरे स्टेट के बच्चे आपको कह रहे हैं, आप जहाँ जम्मू में जाइए, कश्मीर में जाइए, आप डोडा में आइए, हर जगह आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या वजह है ये लोग जो है कैंसिल नहीं कर रहे हैं पेपर? इसका मतलब ये है कि अंदर जो है ये लोग मिले हुए हैं और ये लोग कुछ ना कुछ फिशी चल रहा है। लाठी चार्ज कोई सलूशन है? देखिए लाठी चार्ज आप किस पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का यूथ है, ये जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, अगर इन पे आप लाठी चार्ज कर सकते ये कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में इनके जो दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, इनके लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, आप समझ सकते हैं कि इनका जो परसों आपने जो लाठी चार्ज किया क्या इनके दिल से वो दाग निकलेगा, क्या इनके दिमाग से वो जख्म निकलेगा कि हमारी जम्मू कश्मीर सरकार जो है जिसको हम चुनते हैं तो वो हमें आज हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारे ऊपर जो है नहीं, सरकार तो नहीं है ना, सरकार नहीं है। देखिए जो भी है जम्मू वालों ने बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी के ही एलजी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको बाहर आना चाहिए, उनसे इनको इनके साथ बात करनी चाहिए कि पूछना चाहिए मसला क्या है, अगर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट ये दे रहे हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो ठीक है हम इसको रिवोक करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देते हैं। लेकिन वही बात आती है, सब इनको कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बोल रही है, NC आ गई, PDP आ गई, सारे लोग इनको बोल रहे हैं कि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें और कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी और को दे दें, लेकिन फिर वही है कि क्यों नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें बात समझ नहीं आ रही है। नहीं, उसके अलावा जैसे आपने बात की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, भाजपा की आपने बात की, और भाजपा के जिस तरह आपने देखा होगा कि रविंद्र रैना है जो भाजपा के UT प्रेजिडेंट भी हैं खासतौर पर जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करने के कुछ ही देर बाद वो ट्वीट जो है उन्होंने डिलीट कर दिया इस सब को लेके, लेकिन उस सब को लेके भी युवा जो है काफ़ी ज़्यादा निराश थे कि एक हमारी उम्मीद थी भाजपा से कि भाजपा जो है कुछ करेगी, भाजपा जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, लेकिन जो ही भाजपा ने खुद आवाज़ उठाई और उन्होंने अपनी आवाज़ को कुछ ही देर बाद जो है बिल्कुल दबा दिया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए लोग तो आज बड़े दुखी हैं, जो बड़ी उम्मीदों से उन्होंने भाजपा को वोट दिया, इनको सरकार में लाया ये सोच के कि अब एक नई उम्मीद की किरण जगेगी, अब जम्मू कश्मीर रोज़गार आएगा, अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, लेकिन उस चीज़ पे सब पे पानी फिर गया है और उसकी आज सामने सामने आपके एग्जाम्पल हैं, जो जम्मू कश्मीर में जो हादसे हो रहे हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके हादसे हो रहे हैं, जो स्टेट लैंड को हादसे हो रहे हैं, अभी और सुनने में कहीं आ रहा कि जो है नहीं आपसे जानना चाहता हूँ, रैना साहब ने जो है ट्वीट डिलीट कर दिया, पहले तुमने बच्चों के हक में किया तो उसके बाद डिलीट कर दिया, उससे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा निराश, इस पर क्या कहना? देखिए रविंद्र साहब को जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उन्हें वही करना है, और रविंद्र साहब जो ये बात जान चुके हैं कि अब मेरी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं चलनी है, अभी हाल ही में उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का जिक्र किया, हम इसमें टैक्स लगने नहीं देंगे, और आप गए जब परसों जब मीडिया ने उस पर उन पर सवाल पूछे कि क्या मसला हो गया और आगे से वो जवाब नहीं दे पाए, वो चुप रहे, यही सारा मसला यहीं पे है, रविंद्र राणा जी के और बीजेपी के आपस में बनती नहीं है, रविंद्र राणा साहब यहाँ से कुछ करते हैं और LG साहब वहाँ से कुछ करते हैं, रविंद्र राणा साहब यहाँ से जो है लोगों को आश्वासन देते हैं, उनको उम्मीद जगाते हैं, जी बिल्कुल उम्मीदें कुछ और देते हैं और बाद में हम देखते हैं कि रविंद्र ये LG साहब ने ऑर्डर कुछ और निकाला है, तो इनको पहले आपस में इनका जो है जो रिलेशन जो इनका खराब हुआ है इनको उसको ठीक करना चाहिए, उसके बाद इनको लोगों के पास आना चाहिए और लोगों की जो है मसाइल हल करने चाहिए। नहीं, लगता है आपको जो बच्चों की मांग है, यूथ की मांग है कि इस कंपनी को जो है कि टेंडर ना दिया जाए, इस पे जो है सरकार गौर फिक्र करेगी और ये जो मतलब उनको टेंडर दिया गया है तो ये वापस लेगी उनसे? बिल्कुल, आपको उसको टेंडर वापस लेना पड़ेगा, आपको एपटेक को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए नहीं देना पड़ेगा, ये जम्मू का यूथ है, ये जम्मू कश्मीर का यूथ है, ये सड़कों पे आएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे और हम उनके बिल्कुल उनके साथ हैं, और हम ये भी डिमांड करते हैं कि ये एपटेक से इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्द से जल्द इसको रिवोक किया जाए और किसी ऐसी कंपनी को दिया जाए जो ये फेयर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करे और हमारे बच्चों को जो है जो फेयर करके अच्छे से जो उनको सबको जो है नौकरी दी जाए और किसी किस्म की जो है धांधली इसमें ना हो। शुक्रिया। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था एडवोकेट उमर राठौर का कि जिस तरह अभी यूथ जो है सड़कों पे है, यूथ जो है भविष्य है और भविष्य किस तरह सड़कों पे अभी चल रहा है उस कंपनी को लेके, क्योंकि लगातार पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो है धांधलियाँ हुई,
उनमें जो है बहुत सारी दिक्कतें जो है देखने को मिली। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि खासतौर पर यूथ की बात है तो यूथ के इस बात को सुनना भी चाहिए, क्योंकि यूथ ने पहले भी कहा था स्कैम्स हैं और वो निकले भी, और उसी सब को लेकर यूथ आज भी कह रहा है कि हमें इस कंपनी के पास जो है पेपर नहीं देना है। तो अब देखना यह है क्या कुछ जो है एलजी प्रशासन जो है खासतौर पर करता है, और उम्मीद तो तवक्का रहेगी कि आने वाले कल में जो है जो मुद्दे अभी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं वो सब जो हल किए जाएंगे और जो यूथ की खासतौर पर डिमांड है उस डिमांड को भी जो है पूरा किया जाएगा।